प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानन्द विग्रहं। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमलाकाम सौदाम कणकामुत गेहिने। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। इसके पूर्व तक बताया गया कि प्रातिभाषिक पदार्थ में इदम रजतम आदि स्थल में दो प्रकार की वृत्ति हैं। दो प्रकार की वृत्तियों के कारण ज्ञानद्वय स्वीकार करना होगा। उसका उन्होंने समाधान दे दिया कि वृत्तिद्वय में प्रतिबिंबित चैतन्य एक है और वो जो ज्ञान है वो सत्य मिथ्या मिथ्या संसर्ग का उगाही होने के कारण वो भ्रमात्मक है। कहा कि यदि इसके बाद ये बताया कि जो प्रातिभाषिक चैतन्य है वो जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वो प्रातिभाषिक पदार्थ में दो पक्ष रखा, स्वप्न गजादि साक्षात माया परिणाम एक पक्ष कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम मानते हैं, माने तुला विद्या का परिणाम मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि माया परिणाम पक्ष में यदि गजादि स्वाप्निक पदार्थ या प्रातिभाषिक सुक्ति रहतादि माया के परिणाम होंगे तो उनका अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य माना जाए और शुद्ध चैतन्य यदि अधिष्ठान होगा तो शुद्ध चैतन्य आत्म साक्षात्कार के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि जो आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान होता है उस अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही प्रपंच की निवृत्ति, उस प्रातिभाषिक या व्यवहारिक की निवृत्ति होगी। शुद्ध चैतन्य में अध्यास व्यवहारिक प्रपंच का माना जाता है तो उस व्यवहारिक प्रपंच का की निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के बाद होती है। और यदि स्वाप्निक पदार्थ तथा प्रातिभाषिक पदार्थ के मूला विद्या के परिणाम होंगे माया तो शुद्ध कहना हो तो शुद्ध चैतन्य के साक्षात्कार से ही इनकी निवृत्ति होगी। तो वो शुद्ध साक्षात्कार के पूर्व इदमावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान से रजत की निवृत्ति नहीं होगी। जागरण काल में भी शब्द की निवृत्ति नहीं होगी अपितु जब अंत आत्म साक्षात्कार होगा तभी निवृत्ति होगी। पूर्व पक्षी का यही पक्ष है, माया परिणाम बाद में शुद्ध चैतन्य में अध्यास करना होगा तब उसके लिए करे ननु गजादेह शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्वे। यदि गजादि माने स्वाप्निक पदार्थ तथा प्रातिभाषिक सुक्ति रहतादि पदार्थ यदि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होंगे तो इदानीम माने व्यवहार काले शुद्ध चैतन्य आत्म साक्षात्कार के पूर्व
तद इदानीम मन व्यवहार काल में आत्म साक्षात्कार न होने के कारण जागरण काल में भी स्वप्नोपलब्ध जो गजादी हैं उनकी अनुवृत्ति होती रहेगी, क्योंकि उनकी तो शुद्ध चैतन्य साक्षात्कार के बाद होना है। जागरण काल जो है वो शुद्ध साक्षात्कार, शुद्ध आत्म साक्षात्कार रूप नहीं है, अतः जागरण काल में भी उनकी निवृत्ति हो, उनकी अनुवृत्ति होती है। अब उनका विनाश कैसे होगा? तब इन्होंने कहा कि कार विनाश दो प्रकार का है, एक उपादान के सहित कार विनाश, दूसरा उपादान के विद्यमानता में कार विनाश। उनका संज्ञा भी अलग दिया वेदांत मत में। प्रथम जो है, जो उपादान के सहित कार विनाश है, उस कार विनाश को वेदांत में बाध कहा गया है, और जो उपादान के रहते हुए कार्य का विनाश होता है, उपादान नष्ट नहीं हुआ, कार्य का विनाश हो गया, उसको निवृत्ति कहता है। लोक में भी कार्य विनाश दो प्रकार से होता है, परंतु वहाँ पर ये संज्ञा नहीं है। पट रूप कार्य का विनाश तंतु संयोग से के नष्ट होने पर होगा, समवायी कारण के नाश से। तो उसका समवायी कारण जो तंतु है उसके विद्यमानता दशा में ही नाश होगा, और तंतु का भी दाह यदि हो गया अग्नि इत्यादि में, तंतु के दाह के उत्तर काल में यदि पट का विनाश है तो वो उपादान के सहित कार्य विनाश है। परंतु वहाँ पर कार्य विनाश लोक में या अन्य शास्त्र में कार्य विनाश का नाम कार्य विनाश है, दो परिभाषाएँ हैं। इन्होंने दो प्रकार की परिभाषा कार्य विनाश की किया, एक कार्य विनाश का नाम बाध है और एक कार्य विनाश का नाम निवृत्ति है। तो जो अधिष्ठान साक्षात्कार के उत्तर अविद्या निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति से कार्य का विनाश हुआ माने कारण के सहित कार्य का विनाश हुआ, उसको बाध कहेंगे। उपादान कारणभूत जो अविद्या है उसके विद्यमानता दशा में ही यदि कार्य विनाश होता है तो उसको निवृत्ति कहेंगे। ये इनकी परिभाषा है। वस्तः आचार्य ने, विवरणाचार्य ने निवृत्ति बाध को कहा, निवृत्ति बाध को पर्यायवाचित कहा। आत्म साक्षात्कारेण सोपादान कार निवृत्ति ही बाधा। आत्म साक्षात्कार के उत्तर में उपादान के सहित जो कार निवृत्ति है उसको बाध, तो कार निवृत्ति और बाध को पर्यायतया पूर्व आचार्यों ने हमारे कहा है, परंतु ये जो दो पक्ष है अविद्या परिणाम या तुला विद्या परिणाम, माया का परिणाम या विद्या का परिणाम, ये दोनों पक्ष हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है। अब इन दोनों पक्षों में कार्य विनाश की आपत्ति आएगी, इसलिए ग्रंथकार ने कार्य विनाश के दो स्वरूप दिया। जो वाद्य है कार्य विनाश बाध रूप, तो कारणम उसका कारण क्या होगा? अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होने पर अधिष्ठान विषयक जो अविद्या है वही उपादान कार्य है, कारण है कार्य का, उसके विनाश के उत्तर काल में कार्य का विनाश, वो है बाध रूप। तेन बिना उपादान भूताया विद्याया निवृत्ति, तेन बिना आत्म साक्षात्कार के बिना उपादान भूत विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, और उपादान भूत जो विद्या है उस निवृत्ति के सहित जो कार्य का विनाश होगा वो बाध है,
बाध भी संभव, बाध रूप कार्य विनाश अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना नहीं है। और द्वितीय जो कार्य विनाश है वो द्वितीय कार्य विनाश में कारण है विरोध वृत्ति उत्पत्ति अथवा दोष निवृत्ति, अन्यतर है। कहीं कहीं विरोधी वृत्ति उदय मात्र से कार्य का विनाश माना जाता है, और कहीं कहीं विरोधी वृत्ति और दोष निवृत्ति दोनों। जैसे स्वाप्निक पदार्थ है, स्वाप्निक पदार्थ का जो निवृत्ति रूप कार्य विनाश है वो विरोधी वृत्ति का होता है। जो पूर्व में गजाकार वृत्ति स्वाप्निक पदार्थाकार वृत्ति हो रही थी, तद विरोधी वृत्ति जागरण काल में तद विरोधी वृत्ति हो गई, उदय हो गए, विरोधी वृत्ति का उदय हो गया। दूसरी बात, उस स्वाप्निक पदार्थ में दोष क्या था? निद्रा। तो निद्रा दोष की भी निवृत्ति है। तो विरोधी वृत्ति का, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति भी है गजादि स्वाप्निक पदार्थ के निवृत्ति रूप कार्य में, निवृत्ति रूप कार्य विनाश में, तथा दोष निवृत्ति। परंतु जो ईदम रजतादि, यह जो ज्ञान है, यह जो प्रातिभासिक पदार्थ है सुक्ति रजत, वहाँ पर दोष काच कामलादि दोष है। वो काच कामलादि दोष की निवृत्ति नहीं हुई, परंतु विरोधी वृत्ति पहले रजताकार वृत्ति हो रही थी, ईदम रजतम ये वृत्ति हो रही थी, ये ज्ञान हो रहा था। और इदमावच्छिन्न चैतन्य का साक्षात्कार हो जाने के बाद इयम सुक्ति ये है विरोधी वृत्ति का, विरोधी ज्ञान का उदय। इतने मात्र से जो रजत रूप प्रातिभासिक कार्य है वो निवृत्त है। जो व्यवहारिक कार्य है, व्यवहार अर्ह है, वहाँ पर अविद्या को ही दोष माना गया है। अब वहाँ पर विरोधी वृत्ति का उदय, तो यहाँ पर विरोधी वृत्ति जो घटाकार वृत्ति हो रही थी उससे विरोधी वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, तो जितने भी जागतिक वृत्ति है, जागतिक ज्ञान विषय, जागतिक पदार्थ विषय जो वृत्ति है, तद विरोधी अखंडाकार वृत्ति, उसका उदय हो गया, विरोधी का उदय हो गया। और उसका जो उपादान कारण अविद्या है उसकी भी निवृत्ति हुई, और वही अविद्या जो है वो दोष भी है। अतः व्यवहारिक काल में निवृत्ति और बाध की समानता रहने के कारण ही जागतिक पदार्थ के विषय में आचार्य जो है कह रहे हैं निवृत्ति और बाध दोनों समान जो है, जागतिक जो और वहां पर अधिष्ठान की निवृत्ति हो रही के साथ साथ है, इसलिए बाध रूप भी कार्य निवृत्ति है, कार्य विनाश है, तथा विरोधी वृत्ति आकार अहमाकार अहम ब्रह्मास्मि अखंडाकार वृत्ति विरोधी वृत्ति का उदय है, और अविद्या रूप दोष की भी निवृत्ति है। अतः दूसरा भी कारण निवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप जो कार्य विनाश है उसका भी कारण वहाँ विद्यमान है। अतः व्यवहारिक पदार्थ को अभिलक्ष्य करके विवरण है, आत्म साक्षात्कार से जो कार्य की निवृत्ति होगी वो बाध भी है, उसमें बाध का भी लक्षण है, बाध की भी कारणता है तथा निवृत्ति की भी कारणता है। अतः वो निवृत्ति और बाध दोनों की,
परंतु जो प्रातिभासिक पदार्थ है वो प्रातिभासिक पदार्थ यदि माया का परिणाम मानेंगे तो शुद्ध चैतन्य में अध्यास कहना होगा, अशुद्ध चैतन्य में जब अध्यास उसको कहेंगे तो आप साक्षात्कार के बिना निवृत्ति नहीं होगी। तो मध्य जो इदानी माने व्यवहार काल में जो कार्य निवृत्ति होगी वो कार्य का विनाश होगा, वो कार्य का विनाश निवृत्ति रूप होगा, विरोध वृत्ति का उदय और दोष निवृत्ति हितता रहेगा। और जब उसको तुला विद्या का कार्य मानेंगे, इदमावच्छिन्न चैतन्य विषयक अविद्या का कार्य जब मानेंगे तो वहाँ पर बाध के भी बाध हो, क्योंकि इदमावच्छिन्न चैतन्य साक्षात्कार के बाद इदमावच्छिन्न चैतन्य विषयक जो अविद्या है वही अविद्या रजतादि कार्य का उपादान कारण है, उसकी निवृत्ति हो जाने के बाद कार्य विनाश हो। और स्वाप्निक पदार्थ अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या है वो अविद्या, क्योंकि अंतःकरण का ही परिणाम रजत के रूप में है, तो वो रजत ना वो जो स्वाप्निक पदार्थ है ये स्वाप्निक पदार्थ कश्चित नास्ति अपितु अंतःकरणमेव अस्ति एतादृश ज्ञान नहीं, अंतःकरण ही है ये, अंतःकरण से अतिरिक्त नहीं है, यह ज्ञान न होने के कारण अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या का कार्य मानने पर जागर काल में अंतःकरण परिणाममान होता है और उसका अनुभव होता है तद विषय अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय ज्ञान हो जाने के बाद साक्षात्कार हो जाने के बाद अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषय अविद्या की निवृत्ति हो गई, अतः वो जो कार्य विनाश है वो कार्य विनाश बाध कहा जाएगा। अतः स्वाप्निक जो आतात्विक जो पदार्थ जो प्रातिभासिक पदार्थ हैं चाहे स्वाप्निक हो चाहे सुक्ति रजतादि, उन दो पक्षों में माया परिणाम या अवच्छिन्न चैतन्य विषय का विद्या परिणाम पक्ष के लिए दो स्थितियां हैं। आत्म साक्षात्कार के उत्तर में जब विनाश होगा तो बाध होगा, परंतु व्यवहारिक जो प्रपंच है उसका बाद में दोनों लक्षण जाते हैं, इसलिए विवरणाचार्य ने बाध और निवृत्ति व्यवहारिक प्रपंच निवृत्ति के पक्ष में कहा है। उसी को कह रहे हैं कि जो स्वप्न प्रपंच है इदानीम माने आत्म साक्षात्कार के पूर्व में माँ बाधिष्ट, उसका बाध रूप कार्य विनाश भले ही न हो, क्योंकि बाध रूप कार्य विनाश उसकी उपादान भूत जो अभी माया है उसकी निवृत्ति से होगा और उसकी निवृत्ति आत्म साक्षात्कार से होगी। आत्म साक्षात्कार अभी हुआ नहीं है, व्यवहार का ही व्यवहार विषय का ही साक्षात्कार हुआ, व्यवहार का ही व्यवहारिक पदार्थ का ही ज्ञान हुआ, अतः स्वप्न प्रपंच का बाध तो नहीं होगा। परंतु जिस प्रकार से मुसल प्रहार से घटादि इन मुसल प्रहार दंडादि प्रहार से जो कपाल है उस कपाल का संयोग नष्ट हो गया, कपाल का संयोग नष्ट हो जाने पर यहाँ पर विरोधी वृत्ति का उदय हो गया, कपालाकार वृत्ति हो गई, घटाकार वृत्ति से कपालाकार वृत्ति हो गई, तो विरोध प्रत्यय घटादेर यो विरोधी प्रत्ययांतरोदयन, पहले घटाकार वृत्ति थी अब कपालाकार वृत्ति हो गई, तो स्वजन की भूत निर्धारित दोष नाशेन वा जो विरोधी वृत्ति का उदय वहाँ पर है, परंतु वहाँ पर दोष की निवृत्ति नहीं है घटा देने,
क्योंकि घटादि में दोष अविद्या मानी जाती है, इसीलिए हमने पूर्व में बता दिया कि दोनों कारण उपस्थित नहीं हो सकते। कहीं पर विरोधी वृत्ति और दोष निवृत्ति दोनों कारण हो सकते हैं, निवृत्ति रूप कार्य विनाश के कारण अन्यतम मानना पड़ेगा, क्योंकि मूसला प्रहार से जो घट का विनाश हुआ है वहाँ घट में दोष जो है, घट रूप जो आरोपित पदार्थ है उसमें दोष अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है, परंतु विरोधी वृत्ति का उदय हो गया। स्वाप्निक पदार्थ में विरोधी वृत्ति का उदय भी हुआ है और निद्रा दोष की निवृत्ति भी हुई उभय। सुक्ति रजत स्थल में भी काच कामना यदि नेत्र दोष है तो नेत्र दोष के विद्यमान रहने पर भी विरोधी वृत्ति का उदय मात्र से कार्य विनाश मान लिया जाता है। यदि गजादौ निवृत्तौ को विरोधा, गजादी जो स्वाप्निक पदार्थ है विरोधी वृत्ति का उदय निद्रा दोष की निवृत्ति दोनों कारण विद्यमान हैं, एक कारण के रहने पर भी निवृत्ति रूप कार्य विनाश स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ तो उभय कारण हैं, दोष की निद्रा दोष की निवृत्ति भी है, विरोधी वृत्ति उभय। एवं च सुक्ति रूपस्य प्रातिभाषिक पदार्थ के लिए यदि सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो तुला विद्या है, कार्य विद्या, वो तुला विद्या का कार्य यदि मानते हैं तो सुक्ति रीति सुक्तत्व प्रकारक सुक्ति विशेषक ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से तद अज्ञान इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान के साथ रजत का विनाश होगा, अतः इस कार्य विनाश को बाध कहें। परंतु जब ये मूला विद्या का कार्य होगा तो मूला विद्या इदमावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से मूला विद्या का विनाश नहीं होगा। मूला विद्या के लिए कहा है अविद्या तद कार्य अन्यतर ज्ञान भिन्न से ही ज्ञान अविद्या की निवृत्ति है, जिसमें अविद्या विषय ज्ञान भी ज्ञान है, अविद्या कार्य विषय भी ज्ञान है चैतन्य, तो अविद्या तद कार्य अवच्छिन्नातरिक्त आत्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। घटावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान भी है, तदवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, अविद्यावच्छिन्न अहम अज्ञा यह ज्ञान है, तो ये भी ज्ञान आत्म विषयक हैं परंतु सावच्छिन्न है, अविद्यावच्छिन्न विद्या कार्यावच्छिन्न चैतन्य विषय ज्ञान से मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होती, अतः इदमावच्छिन्न चैतन्य विषयक ज्ञान से मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होगी अपितु तुला विद्या की ही निवृत्ति होगी। तुला विद्या का अधिकार रजत को माना जाएगा, सुक्ति रजत को माना जाएगा, तो सुक्ति रजत उपादान के सहित सुक्ति रजत का विनाश हुआ, अतः यहाँ पर बाध कहलाएगा। अच्छा, मूला विद्या का मूला विद्या या ब्रह्म साक्षात्कार निवर्त है, अतः सुक्तित्व ज्ञान से वो सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विषय ज्ञान से वो निवृत्त है नहीं, तत्र सुक्ति ज्ञान निवृत्ति मात्रम, सुक्ति ज्ञान से निवृत्ति मात्र मान निवृत्ति मात्र कार्य होगा। इसके माने ये है कि कार्य विनाश कहीं पर दोनों होते हैं। अब देखिए, अब यदि तुला विद्या का एक कार्य है तो निवृत्ति भी अकार्य भी, निवृत्ति रूप कार्य विनाश भी और बाध रूप कार्य विनाश भी, क्यों क्यों, इसलिए
कि विरोधी वृत्ति का उदय हो रहा है। विरोधी वृत्ति का उदय ये जो है निवृत्ति रूप कार्य का, निवृत्ति रूप कार्य का कारण है। अच्छा, और उपादान के सहित कार्य विनाश हो रहा है, अतः बाध रूप कार्य का भी कारण है। तो यदि तुला विद्या का कार्य है तो यहाँ पर सुक्ति रजत तुला विद्या के कार्य पक्ष में इदमावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से जो रजत की निवृत्ति हुई उसमें उस निवृत्ति को उस रजत का विनाश हुआ उस विनाश को निवृत्ति भी कह सकते हैं क्योंकि निवृत्ति का कारण भी विद्यमान है और बाध रूप का कारण भी विनाश है। अतः उस कार्य विनाश में दोनों व्यवहार बाध और निवृत्ति कर सकें। परंतु मूला विद्या का यदि सुक्ति रजत कार्य है तो ब्रह्म साक्षात्कार मात्र वो निवर्त है। तो सुक्ति ज्ञान से निवर्त न होने के कारण सुक्ति ज्ञान से निवृत्ति मात्र कार्य विनाश होगा। जिस प्रकार से मुद्गर प्रहार से घटस्य, मुद्गर प्रहार से घट की निवृत्ति हुई, घट का जो क्योंकि घट का उपादान कारण व्यवहारिक घट आदि का उपादान कारण माया है, उसकी निवृत्ति नहीं हुई, परंतु विरोधी वृत्ति का उदय हो जाने से, विरोधी वृत्ति का उदय हो जाने से घट का जो विनाश है वो निवृत्ति होगा। मूल जो जो कारण है वो कारण ननु अब बात कि ये बताइए सुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय प्रातिभासिक सत्ता अभिगमे नेदम रजतमिति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम नास्य। क्योंकि वेदांत मत में त्रिविध सत्ता स्वी अभिमत है, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता त्रिकालाबाध्य सत्ता, जिस सत्ता का कभी बाध नहीं होता, जिसकी सत्ता का कभी बाध नहीं होता वो त्रिकालिक बाध ब्रह्म तत्व, और जिसका ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से अबाध्य है। अपितु ये कहना होगा ब्रह्म प्रमात्रित प्रमाबाध्यत्वे सति सत्वेन प्रतीतर्हत्वम्, ये भी कहना होगा। क्योंकि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का न ब्रह्म प्रमा से बाध होता न ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाध होता, इसलिए वो भी व्यवहारिक होने लगेगा। जो सुख जो अलीक पदार्थ है वो अलीक पदार्थ प्रकार से अलीक पदार्थ जो है बंध्या पुत्रादि उसका किसी से बाध नहीं होता है, ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाध भी नहीं होता है, इसलिए व्यवहारिक का लक्ष्य हमको करना होगा ब्रह्म प्रमात्रित प्रमाबाध्यत्व सति व्यवहार अर्हत्वम। व्यवहार अर्हता प्रातिभाषिक में उसमें व्यवहार अर्हता प्रातिभाषिक ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाध्य भी है और व्यवहार अर्हता भी नहीं है। और जो अलीक पदार्थ है ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त भले ही बाध्य न हो परंतु सत्वेन प्रतीत रहता है। अब सत्वेन प्रतीत रहत्व यदि कहेंगे तो ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा अबाधित भी है, ब्रह्म तत्व सत्वेन प्रतीत भी है, इसलिए कहना होगा ब्रह्म भिन्नत्व सति, ब्रह्म भिन्नत्व सति ब्रह्म प्रमात्रित प्रमाबाध्यत्व सति प्रतीत अर्हत्व, यह व्यवहारिक का लक्षण। तो कह रहे हैं तो वो जो है व्यवहारिक सत्ता हो गई। अब ब्रह्म प्रमात्रित प्रतीत अर्हत्व सति ब्रह्म प्रमात्रित प्रमाबाध्यत्व जो है प्रातिभाषिक सत्ता,
तीन प्रकार की सत्ताएं अभिमति है। अब इस तीन प्रकार की सत्ता अभिमति में ही पूर्व पक्षी का पक्ष है कि सुक्ति में जो रजत का सुक्ति रजत का प्रतिभास काल में प्रातिभासिक सत्ता अभिमत है कि नहीं। यदि प्रातिभासिक सत्ता अभिमत नहीं हुई तो सुक्ति रजत अलीक हो गए, और यदि प्रातिभासिक सत्ता आप स्वीकार करते हैं तो त्रैकालिक निषेध नेदम रजतम अत्र रजतम नास्ति अत्यंता। नेदम रजतम ईदंता और रजत का भेद, ईदम रजतम तो रजत प्रतियोगिक भेदवत ईदम, ये जो भेद है ये भी त्रैकालिक है। अत्र रजतम नास्ति ये भी अत्यंता भाव भी त्रैकालिक है। तो ये जो त्रैकालिक भेद है या त्रैकालिक अत्यंता भाव है ये अभाव कैसे कहेंगे यदि प्रतिभास काल में रजत है तो रजत का निषेध करेंगे न स्यात्। क्या होगा इदानीम इदम रजतम, ये इदमावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान के उत्तर काल में बाध का इदानीम इदम रजतम यह निषेध, क्योंकि प्रतिभास काल में तो प्रातिभासी सत्ता उसकी स्वीकार किया है। जिस प्रकार से विलक्षण अग्नि संयोग का नाम पाक है, पाक दशा में जो घट है घट पदार्थ है जिससे यहाँ पर विलक्षण तेज का संयोग होता है पाक काल में, उस समय पर घट के रूप परिवर्तित होते रहते हैं, श्याम से रक्त, रक्त से श्याम, श्याम से रक्त, रक्त से श्याम, ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब जो पूर्व में श्याम था इस समय पर रक्त हुआ है, रक्त से फिर श्याम होगा, फिर रक्त होगा, तो वहाँ पर इदानीम घट श्यामो न यही होगा। इदानीम न तो रज घटे श्यामात्यंता भावः, श्याम वर्णात्यंता भावः यह घट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि त्रैकालिक निषेध है। पूर्व में श्याम था, रक्त के बाद पुनः श्याम, पुनः रक्त, ये परिवर्तन पाक काल में शास्त्र से माना जाता है। उसका ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो परीक्षणीय है, परंतु शास्त्रकार रक्त से श्याम, श्याम से रक्त, रक्त से श्याम, ये परिवर्तन होता रहता है। अंतिम पाक काल तक ये परिवर्तन होता रहता है। अतः श्याम रक्त दशा में जब उस घट में रक्त रूप है उस काल में अत्र श्यामो नास्ति यह अत्यंता भाव नहीं कह सकते, अपितु इदानीम श्यामो घटो नास्ति यही कह सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप प्रातिभासिक सत्ता मानते हैं सुक्ति रजत की, तो अत्र रजतम नास्ति या इदम रजतम नास्ति ये त्रैकालिक निषेध नहीं कह सकते हैं, अपितु इदानीम इदम रजतम नास्ति ये तत्कालीन भेद कह सकते हैं, अथवा इदानीम अत्र रजतम नास्ति इति चेत यह पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्ष में कहा कि जो यहाँ पर निषेध है नेदम रजतम, यह जो निषेध है यह निषेध
रतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक निषेध ज्ञान का विषय नहीं। रतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है वो निषेध का ज्ञान निषेध का विषय नहीं है। क्या मतलब? कहा जो भी निषेध होता है, जो अत्यंताभाव ज्ञान होता है, वो अत्यंताभाव ज्ञान में प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। अब वो जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगी वृत्ति जो प्रतियोगिता है, वो किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है और किसी न किसी संबंध से अवच्छिन्न होती है। तो जहाँ पर जिस संबंध से अभावाधिकरण में प्रतियोगी की वृत्तिता मानी जाती है, वो संबंध ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होता है। जैसे भूतले घटाभावः, यहाँ भूतल में घट की वृत्तिता आधेयता संयोग संबंध से है। अतः भूतले घटाभावः इस ज्ञान में जो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान होता है, यदि किंचित प्रतियोगिता है ना, तो घट प्रतियोगिता का अत्यंता भाव जब कहेंगे तो घट में जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता का संबंध वही होगा जो संबंध घट के वृत्तिता का नियामक है। अतः संयोग संबंधावच्छिन्न कहें। दूसरी बात, घट प्रतियोगी का जो धर्म है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म है, इसलिए कहेंगे संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भूतले प्रतियोगिता भाव, या भूतल को यदि विशेष कर देंगे तो विशेषण अभाव हो जाएगा, अभावत भूतल। अतः यद संबंध तो वो प्रतियोगिता व छेदक संबंध हो गया, और प्रतियोगिता व छेदक धर्म जो है घटत्व। अब यहाँ पर अत्र रजतम नास्ति, यहाँ पर यदि हम रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहेंगे तो रजतत्व को ही यदि अवच्छेदक मानेंगे तो रजतत्व रजत धर्म है वो प्रातिभास काल में विद्यमान है। अतः रजतत्व सामान्य धर्म को हम प्रतियोगिता का अवच्छेद यदि मानेंगे तो प्रतिभास काल में रजत के होने के कारण रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं मिलेगा, अत्यंताभाव नहीं मिलेगा, त्रिकालिक अभाव नहीं होगा। परंतु हम रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का हम वो जो अभाव कहेंगे, जो अभावी प्रतियोगिता होगी उसमें रजतत्व को उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं मानेंगे। रजतत्व को अवच्छेदक मानने पर यदि प्रातिभास काल में रजत है तो रजतत्व धर्म भी है, तो रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भाव त्रिकालिक निषेध नहीं मानेगा। परंतु लौकिक परमार्थिकत्वावच्छिन्न जो प्रातिभाषिक रजत है उसका आकार क्या होगा? इदं लौकिक परमार्थिकं रजतम् न,
अत्र लौकिक पारमार्थिक रजतत्वाभाव, यह इसका स्वरूप होगा। अब देखिए, अब वो जो रजत है, वो रजत में, प्रातिभासिक रजत में लौकिक लोके परमार्थ परमार्थिक लौकिक परमार्थिक, जो लोक में व्यवहार है उसको लौकिक परमार्थिक कहा है, जो हाटकस्तादि रजत है तो लौकिक परमार्थिक है। वो लौकिक परमार्थिकत्व जो है लौकिक परमार्थिक रजत में रहेगा, प्रातिभासिक रजत का वो व्यधिकरण धर्म है, वो उसका धर्म नहीं। अतः प्रातिभास काल में भी ये रजत जो है लौकिक परमार्थिक किसी काल में नहीं, अतः व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव उद्देश्य। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव केवलान्वय होता है। क्यों केवलान्वय होता है? एतादृश अभाव सर्वत्र मिलता है, भूतल में घट के रहने पर भी घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तो नहीं होगा, परंतु पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होगा, क्योंकि पटत्वेन घटस्य सत् भूतले घटस्य सत्वेपि पटत्वेन घटो नास्ति, ये मिलेगा। अतः व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता सर्वत्र मिलेगा। कपाल देश में समुआ संबंध से घट के रहने पर भी पटत्वेन घटो नास्ति, पटत्वेन घट तो वहाँ पर नहीं, तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न माने जहाँ जहाँ भी घट की वृत्तिता है, संयोग संबंध से है तो वृत्तिता घट की होगी, क्योंकि घट द्रव्य है, तो अपने अवय में संयोग संबंध से द्रव्यांतर में जो है संयोग, अपने अवय में समवाय संबंध से द्रव्यांतर में संयोग संबंध से दो प्रकार की वृत्तिता होगी। अब वहाँ पर व्यधिकरण धर्म से उभयत्र जो है अभाव मिल जाएगा, अन्यत्र अभाव है ही, इसलिए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव सर्वत्र मिल जाएगा। व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी केवलान्वयी है। संयोग संबंधेन घटवत भूतल में समवाय संबंधेन घटो नास्ति मिल जाएगा, व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न, इसलिए भी केवलान्वयी है। अब बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं, एक पक्ष उठाया न्याय में आचार्य ने कि प्रतियोगी वृत्ति धर्म न प्रतियोगितावच्छिन्न, प्रतियोगी में न रहने वाला धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक कैसे हो जाएगा? घट में जो धर्म घट पटत तो है ही नहीं, वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक कैसे हो जाए? उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना चाहिए, जो लौकिक परमार्थिक रजत है ही नहीं, उसमें लौकिक परमार्थिकत्व तो धर्म, लौकिक परमार्थिक जो रजत है उसका धर्म, ये प्रतियोगी में कैसे, जो प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म ही नहीं है, प्रतियोगी अवृत्ति है, प्रतियोगी माने रजत, प्रातिभासिक रजत, उसमें न रहने वाला धर्म, लौकिक परमार्थिकत्व, वो कैसे वृत्ति हो गया? जब वृत्ति नहीं माना जाएगा, प्रतियोगी अवृत्ति धर्म, प्रतियोगिता का अवच्छेदक कैसे होगा? अर्थात आचार्य का तात्पर्य है, यह धर्म प्रतियोगी वृत्ति सैव धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक है, जो धर्म प्रतियोगी वृत्ति होगा वही प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। कहा प्रतीति बला, प्रतीति होती है, प्रतीति घटस सत्वेपि पटत्वेन घटो नास्ति, ये प्रतीति बलात् जो है प्रतियोगी में अवृत्ति, जो प्रतियोगी में न रहने वाला जो धर्म है उसको भी प्रतियोगिता अवच्छेदक माना जाता है। इसी प्रकार से प्रतियोगी का जो असंबंध है, प्रतियोगी
आवृत्ति जो संसर्ग है वो प्रतियोगिता का वो छेदक नहीं होगा, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। भूतले संयोगेन भूतले घटस्य सत्वेपि समवायेन घटो नास्ति प्रतीति होती है। अतः प्रतियोगी आवृत्ति संसर्ग संसर्गेण प्रतियोगी आवृत्ति धर्मेण यही व्यधिकरण धर्म अव्यधिकरण संबंध अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता का भाव है नित्य होता है। अतः यहाँ पर भी मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी पक्ष को मूलीभूत लेकर के कुच्छीभूत लेकर के पूर्व पक्षी का पक्ष है कि किया आप लौकिक परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का भाव मानते हैं वो तो उनकी बात है, नैयायिकों प्रतीति बला। यहाँ प्रतीति बला मात्र सत्ता नहीं है अपितु उसको सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर लौकिक परमार्थिकत्व वो तो नैयायिकों की चर्चा रही। अब यहाँ पर यदि आप कहें कि क्या वो ही मानते हैं आप, कहा नहीं नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रातिभाषिक रजत में आपने परमार्थिकत्व मान लौकिक परमार्थिकत्व आपको अवगत है कि नहीं अवगत है। यदि अवगत नहीं है लौकिक परमार्थिकत्व, लौकिक परमार्थिकत्व प्रतियोगितावच्छेदक धर्म है और नियम है प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान अभाव ज्ञान में कारण होता है। दो प्रकार के ये भेद में प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान नहीं होता है कारण अपितु अनियोगी कारण क्यों होता है। इसलिए वृक्षे पिशाचा भाव यह ज्ञान नहीं होता। प्रक्षे पिशाचो नास्ति अत्यंता भाव नहीं होता क्योंकि पिशाचा पिशाचत्वावच्छिन्न पिशाच प्रतियोगी ज्ञान कारण होगा परंतु वृक्षो न पिशाचा पिशाच प्रतियोगिक भेदवान वृक्ष यह प्रतीति होती है। भेद में केवल अनियोगी का ज्ञान अपेक्षित होता है, अत्यंता भाव में प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान और अनियोगी ज्ञान इंद्रिय संकर्ष के अनुकार अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है परंतु संयोगेन अभाव समवायेन अभाव ये जो प्रतीति है वो संयोग समवाय आदि प्रतियोगिता के अवच्छेदक संबंध के रूप में कहे जाते हैं। जिस प्रकार से कहेंगे घटे संयोगेन घटो भूतले संयोगेन घटो नास्ति, तो यहाँ पर जो नास्ति है जो अभाव है वो स्वरूपता है, जो संयोग है वो प्रतियोगिता का वो छेदक संबंध है। अभाव अत्यंता अभाव या जो भेद है ये दोनों चाहे संसर्गाभाव या अनन्याभाव दोनों स्वरूप संबंध से ही रहते हैं और जो संबंध आदि का निर्वचन होता है वो संबंध का निर्वचन प्रतियोगिता व छेदक के लिए किया जाता है। अतः अब यहाँ पर ये बात आएगी यदि परमार्थिकत्व लौकिक प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व अवगत नहीं है तो परमार्थिकत्वावच्छिन्न लौकिक प्रातिभाषिक रजत का अभाव कहेंगे कैसे, क्योंकि प्रतियोगिता व छेद का भी ज्ञान होना चाहिए तदवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रातिभाषिक रजत में परमार्थिकत्व धर्म आपको अवगत है कि नहीं अवगत है। यदि अवगत आप मान रहे हैं तो जब अवगत है आपको परमार्थिकत्व तो प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न जो ज्ञान यदि अनवगत है यदि अवगत है नहीं आपको लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अवगत नहीं हुआ तो प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न ज्ञान ही नहीं हुआ तो प्रतियोगिता व छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान अत्यंता भाव में कारण होता है तो
प्रत्यक्ष की अनुपत्ति हुई, माने अभाव प्रत्यक्ष की, रहतात्यंता अभाव प्रत्यक्ष की अनुपत्ति होगी। और यदि आप मानते हैं कि नहीं, लौकिक परमार्थिकत्व उसमें अवगत है, अवगत में भी अपरोक्ष भाष्य, अवगत कहेंगे अपरोक्ष भाष्य माने प्रत्यक्ष मानेंगे, तब क्या कहना होगा, तत्कालीन विषय सत्ता नियत होना चाहिए। अपरोक्ष भाष्य के काल में ही उस विषय की सत्ता माने लौकिक परमार्थिकत्व की सत्ता रहनी चाहिए, तभी उसका प्रत्यक्ष होगा। अब जब उसको मानेंगे तो कहना होगा कि रजते परमार्थिकत्व, रजत में पारमार्थिकत्व कैसे पैदा हुआ, एक तो रजत पैदा हुआ निर्वचनी अविद्या का परिणाम, अब परमार्थिकत्व भी आप उसमें पैदा कर लेंगे। जब परमार्थिकत्व भी उसमें पैदा हो गया तो जिस प्रकार से रजत की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से पारमार्थिकत्व अनिर्वचनी उत्पन्न हो गया, तो रजतत्वावच्छिन्न, तो परमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत तो हो ही गया, तब कैसे अत्यंता भाव आप त्रिकालिक अत्यंता भाव। प्रतिभास काल में यदि प्रातिभाषिक शरीर रजत का है और उसका जो धर्म है वो भी प्रातिभाषिक हो गया तो प्रतिभास काल में है ही, तब भी अत्यंता भाव नहीं होगा। तद अवच्छिन्ना भावस्य तत्र कथम प्रवर्तते, उसके लिए आगे चल के कहा ये जो प्रातिभास पारमार्थिकत्व है ये परमार्थिकत्व यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ है, समय हो रहा है किसी दूसरे भी आचार्य को पढ़ाना होगा। अब हम यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं और कल इसको यहीं से उठाएंगे, हो सकता है कल प्रत्यक्ष प्रकरण की परिसमाप्ति भी हो जाए। ओम हरि ओम।